हेलो भैया और नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में बताने साथ ही हम आपको इस प्रकार की भिन्न हल करना आप लोगों को सिखाएंगे जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इनको हम आपको आज हल करना बताएंगे, इनको कौन कौन से तरीके से आप हल करेंगे जो भी हम आपको इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करके बता देना और एक प्यारा सा कमेंट कर दियो अगर अच्छा लगे वीडियो और पसंद आए भिन्न समझ में आ जाए तो भी कमेंट करके बताना। अगर समझ में आ तो कमेंट करना, हम भी समझ जाएंगे कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो बता देना जरूर करके। यहाँ पर अगर आपके आपसे नहीं बनती तो आपके पास मित्र से भी नहीं बनती तो उसके पास शेयर जरूर कर देना, उसके दोस्त के पास भेज देना, जरूर सेंड कर देना। ठीक है, यहाँ पर बताना ऐसी भिन्न आपको सबसे पहले इसमें कहीं भी कोष्टक, कोई भी भिन्न में अगर कोष्टक लगो कहीं भी जो छोटा कोष्टक है, हाँ कोष्टक तो पहचान ले ही लोगे। यहाँ पर कोष्टक आ तो सबसे पहले आपको कोष्टक को सॉल्व करना, ठीक है कोष्टक। फिर आपको मिश्र भिन्न नहीं बनते, जे कौन सी भिन्न इस रूप में लिखी रहती है इनको बोलते हैं मिश्र भिन्न। क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न। इनको बोलते हैं ऐसे रूप को क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न। और मिश्र भिन्न की परिभाषा चाहिए तो भैया कमेंट करके बताएं, मिश्र भिन्न के बारे में हम डिटेल में चर्चा करें आपके अगले वीडियो में। भैया कमेंट करोगे तो बताएंगे मिस सेवन के बारे में, अगर कमेंट कर में लिख देने मिस सेवन के बारे में डिटेल में बताऊंगा भैया, हम बताना जरूर आपका जैसा हमें समझा में बने हम उससे बताने का प्रयास जरूर करें। ठीक है, आपका बता रहे हैं कि जब मिस सेवन है, हाँ तो यहाँ पर इस भिन्न में कोष्टक लगा तो पहले कोष्टक खोलेंगे तो आपको इस भिन्न को जहीं का तहीं लिखना, पांच सही एक बटक तो सिर्फ इसको आप कोष्टक खोलें तो कोष्टक खोलें भैया, इसका कोष्टक खोलोगे तो ये चिन्ह बाहर निकलेगा और इसका चिन्ह का गुणा होगा, माइनस का गुणा इसमें होगा तो भैया पहले तो कोष्टक का खोलेगा तो इसमें गुणा होगा, माइनस माइनस का गुणा होता क्या आ जाता है चिन्ह प्लस, तो यहाँ पर ये कोष्टक खुल गया। बस चिन्ह का कमाल रहता है कि चिन्ह बाहर निकले, गेट खोले बारह जावे हो, जैसे गेट खोले बारह भागे इनसे लड़ाई हुई चिन्ह का होगा प्लस, माइनस गुणा माइनस होगा होगा प्लस, जो लड़ गए प्लस बन गए तो इधर जे भी जाएंगे कहीं सात से एक बटा दो जाएंगे कहीं। अब आपको बता दें इतना जब भिन्न कर भी तो दो तरीका बन रहा, आप जिन दो तरीकों तो किसी भी तरीका से लगा दो हम आपका बता दें। ठीक है, पहला तरीका हम आपको बता दें, पहले सिंपली आपको जैसो करना था कोई ऐसा अप्लाई करता वैसे बताएं। मिश्र भिन्न को सॉल्व करने का रूल ये होता है कि नीचे जो हर है, नीचे हर होता है नीचे, इस हर का अपन ऊपर क्या करेंगे गुणा, क्या करेंगे गुणा, हम नीचे लिखते रहे गुणा, नीचे ऊपर करते हैं गुणा और ऊपर जितना गुणनफल आता है उसको अंश में जोड़ देते, क्या कहते हैं अंश में जोड़ देने, अंश में चिन्ह बना दिए प्लस को जोड़ देने। अब ऊपर गुणा करो पांच दूना दस, पांच दूना दस, दस में एक जोड़ कितना हो जाएगा ग्यारह, जितना अंश होता जोड़ दो पांच दूना दस, गुणनफल में कितना अंश कितना था एक तो गुणनफल अपना दस आया था, पांच दूना दस दस आया था, इसमें जितना अंश उतना जोड़ दो, अंश कितना एक तो पांच दूना दस, दस में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ग्यारह और बटे में दो लगाएंगे जाएंगे, जितना बटे का था उतना ही लगाएंगे जाएंगे। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर इसका भी ऐसे करना है तिचौक है, मतलब चार तीया बारह या तिचौक है, चार तीया बारह में एक अंश जोड़ोगे तेरह, तेरह बटे चार जहीं करता है, वैसे इसका सात दोनों चौदह, चौदह में एक जोड़ोगे तो पंद्रह बटे दो आ जाएगा ना। फिर आपको जहीं करता है फिर कर देना, क्या करोगे का करो, अब ई को का करो लिख कर लो, का कर दो बताओ इमें, अब आप हाँ का कर सकत, इनको एलसीएम लो नेक्स्ट है लघुत्तम, एलसीएम बोलो लघुत्तम, इन दोनों इन तीनों का लघुत्तम लोगे दो चार दो, लघुत्तम लोगे दो चार दो, नीचे के अंत मान लीजिए हर का लघुत्तम जितने जितने हर होते हैं दो होते हैं चार हैं दो, नीचे का लघुत्तम लेते जितने नीचे संख्या लिखे उनका लघुत्तम ले दो, दो काटोगे दो से दो एक कम दो तो दो ना चार दो एक कम दो कट जाएगा बचेगा दो, बस इधर आएगा दो एक कम दो एक कम दो एक, अब आपका जी लघुत्तम कितना आ गया दो दूना चार, तो भैया दो दूना चार लिख देंगे, इनका दो दूना चार, चार ही कम आया चार, चार ही आ गया चार ही कम चार, तो भैया जितना लघुत्तम आया उतने में इसके तीन जितने का अपन ने भिन्न लघुत्तम लिया मतलब एलसीएम निकाला उन तीनों का इसमें भाग लगाने, भाग देखने कितनी बार जाएगा उतने का अपन आंसर में क्या कर गुणा, क्या कर है गुणा, जितने बेर भाग जाएगा उतने का अंश में गुणा करने, जितने बेर भाग से अंश में गुणा करने, जितनी बार भाग जाए अंश में गुणा करना है, एलसीएम में भाग लेना है जितनी बेर भाग जाए तो अंश में गुणा करें, तो दो का भाग इसमें देंगे दो दूना चार, कितनी बेर गया दो बार,
तो दो का गुणा करेंगे अंश में, तो अंश होता ऊपर का, तो ऊपर में कितने का गुणा करेंगे, दो, दो बार गया भाग, दो का गुणा कर देंगे, तो दो दूना चार, दो बार गया तो हमने दो का गुणा कर दिया भैया, कर देंगे प्लस लगाएंगे, चार का भाग इसमें लगाओ, अब अंश का भाग सॉरी हर का भाग ऐसे में देख, सवरण के हर का, इसका हर का हमने भाग दे दिया, दो बार गया तो हमने दो का गुणा उसके अंश में कर दिया, जिसके हर का भाग देंगे उसी के अंश में गुणा करेंगे, हमने इसके हर का भाग दिया था इसका दो बार गया तो उसी के अंश में गुणा किया, अब इसके हर का भाग लगाएंगे इसके अंश में गुणा करेंगे, चार का भाग इसमें लगाएंगे, चार एकम चार, एक बार गया तो अब इसके 13 में कितने का गुणा करेंगे, एक का गुणा करेंगे प्लस इसका भाग इसमें देंगे, दो दूना चार, इसके हर का भाग देंगे, दो बार गया तो 15 में कितने का गुणा करेंगे, दो का कर देगा, अब यहाँ पर करेंगे 11 दूना 22 गुणा करेंगे, अभी तो गुणा में लिखे थे अपन, गुणा कहाँ किया, गुणा में लिखे थे 11 दूना कितना होता 22, कितना होता 11 दूना 22, और फिर 13 एकम 13, फिर 15 दूना 30, और बटे में भैया जितने चार अभी बिठाए रखने उनको कहीं नहीं ले जाना अपन, ठीक है, नीचे बैठे हुए भाग में बैठे, भाग में जाएगा लास्ट में जोड़ के भाग तो दे देंगे, अब इनको जोड़ लो, अब अगर नहीं जोड़ दो तो भैया 22 नीचे लिखो 13 इसे जोड़ लो, 3 2 5 होते हैं, 3 1 2 1 3, और 30 जोड़ दोगे फिर 30 जोड़ लेना 5 हो जाएगा, 6 65 आएगा, तो इनका जोड़ आएगा कितना 65/4। अब अगर आंसर भी आपका ऐसा ना आए, बात करें आंसर आपका ऐसा ना आए तो आपको क्या करना चाहिए, मिश्र बिंदु, तो भैया इसका आंसर भी मिश्र बिंदु में ही होगा, अगर आपका बुक का सवाल है तो आपके मिश्र बिंदु में ही आंसर होगा, तो पहले आपको क्या करना है मिश्र बिंदु में बनाना है, तो भैया मिश्र बिंदु बनाने के लिए सबसे पहले आपको रूल लेना है, मिश्र बिंदु के लाना कैसे हो, मिश्र बिंदु का रूप होता है, मिश्र बिंदु का रूप क्या होता है अभी बता दे रहे हम भाई, रुक तो जाओ, मिश्र बिंदु का रूप होता है कैसा, भाजक ऊपर होता है शेषफल, क्या होता है ऊपर शेषफल, नीचे सॉरी नीचे क्या ऊपर नीचे भाजक होता सॉरी नीचे भाजक इतने भाग था, ठीक है, जितने का भाग दे वो नीचे रहे तो चार तो नीचे रहनी है जितना भाग देगी, और भागफल जितना वहां को बगल में लिख दी, भागफल बगल में लिखने अपना, ठीक है भागफल, तो देखो चार का भाग लेंगे आएंगे तो इसमें 4 एकम 4, एक बार गया अभी तो 2 बचेगा, 5 उतारेंगे 4 छिंग 24, 4 छिंग 4 छिंग 6 बार गया तो 4 छिंग 24, 1 बचा, अब अपना भाग पूरा पूरा कितने बार गया तो 16 बार गया, तो हम यहाँ भागफल की जगह लिखेंगे 16, फिर डंडा खींचेंगे, शेषफल कितना बचा भैया नीचे शेषफल कहलाता 1 बचा तो 1 ऊपर लिखेंगे, भाजक भाजक कहलाता जिसके भाग दे रहे हो उसे भाजक कहते हैं, तो 4 का तो कितना जाएगा इसका 16 सही 1/2, तो कितना जाएगा 16 सही 1/4 सॉरी यहाँ पर 2 बोल दिया हमने, तो इसका ऐसा भी आंसर आ सकता है, ठीक है ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा ऐसा आएगा इसका, और इसका दूसरा तरीका आपको बता दें बेहतरीन है वो भी बहुत तरीका अच्छा है, लेकिन इसमें शॉर्ट में लग सकता है, ठीक है, अब यहाँ पर इसको कर दिया, इसको तुम करोगे अगर जांच करो 16 64 64 में जोड़ो 65/4 आ जाएगा ना, देख बताएंगे सही है, अब इसका दूसरा सेकंड तरीका जान लो कैसे करना है, आपका जो सही पूरी पूरी फैंटाइज है उतारना 5 सही 1/2 प्लस के 3 सही 1/4 और प्लस 7 सही 1/2, अब आपको यहाँ पर मिश्र बिंदु की परिभाषा आना चाहिए, तो भैया मिश्र बिंदु मानती है पूर्ण घन, एक पूर्ण भाग प्लस के एक उचित घन से, पूर्ण भाग बहुत सही एक पूर्ण भाग रहता है, पूर्ण भाग प्लस उचित घन से बनती है मिश्र बिंदु, पूर्ण उचित घन, पूर्ण उभिन्न और उचित घन से मिलकर, तो भैया इनके बीच में तो जोड़ का चिन्ह होता आपको दिखता नहीं है, बस जोड़ का चिन्ह रहता है पूर्ण प्लस, मतलब दो भाग दो भिन्नों से मिलकर बनती है पूर्ण और एक उचित घन, तो भैया अपन पूर्ण पूर्ण जोड़ ले 5 3 8 5 3 8 5 3 8 8 7 15, तो 15 लिख देंगे अलग प्लस लगाएंगे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2 ऐसा कर लेंगे, फिर आप इनकी भी निकाल लोगे अलग से, तो 15 प्लस इसका एलसीएम लोगे तो भैया अभी लिया था कितना था 4, 4 आया था अभी 4 आया था, तो 2 का भाग 2 बार गया, 2 का भाग इसमें देखोगे 2 बार 2 दूना 4 2 बार गया तो 2 का गुणा करेंगे ऊपर 2 × 1 करेंगे तो 1 कम सीधा सीधा करोगे 2 बार गया तो अंश में 2 का गुणा 2 एकम 2 आ जाएगा प्लस 4 का भाग ये देगा तो 1 का गुणा ऊपर 1 करेंगे तो 1 एकम 1 आ जाएगा 2 2 4 2 बार गया तो 1 × 2 करेंगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा,
अब डायरेक्ट गुणा कर दिया आपने, क्या क्या गुणा कर दिया, ठीक है जी ना, देखना गुणा कर दिया, 15 प्लस लगाएंगे और जोड़ेंगे, दो दो चार एक पाँच, पाँच बटा चार आ जाएगा, पाँच बटा चार। अब पाँच का भाग अपन इसको भी मिश्रण बना दें, क्या बना दें, मिश्रण। चार का भाग इसमें जाएगा एक बार जो जाता भाग पर कहाँ लिखते, बगल पे, और शेष पल ऊपर एक बचा एक, और नीचे भाग जाए जितना, तो एक सही इसका बन जाएगा एक सही एक बटा चार। तो भैया जे भी पूर्ण देने तो 15 में एक जोड़ दो कितना हो जाएगा आपका 16 सही एक बटा चार आ जाएगा। मतलब आप 16 में 16 जोड़ोगे प्लस लगाओगे एक बटा चार आएगा। अब इसको 16 और इसको 16 जो बना है इसको मिश्रण कैसा बना देंगे, मिश्रण में लिख देंगे इसको 16 और प्लस हटा देंगे एक 16 सही एक बटा चार आ जाएगा। इसको बोलते ऐसा भी बोल सकते हैं 16 प्लस एक बटे चार, नहीं तो बोलना तो 16 सही एक बटे चार भी मिश्रण को बोल सकते हैं जी। ऐसा लिखा तो इसको मिश्रण का रूप है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखो इसने और इसमें क्या फर्क है, आपको कौन सा सही लगा है कमेंट करके जरूर। हाँ तो बहुत पसंद आया, तो वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। और तरीका भी पसंद आया तो कमेंट कर देंगे जरूर। इसको भी हम आपको बता दे रहे हैं, इसको शॉर्ट एक तरीका से बताना, बड़े तरीका से आप लगा देना, इसको शॉर्ट से बता दे रहा, ठीक है। इसमें माइनस लगा प्लस वाले पहले करेंगे, तीन सही पाँच बटा चार प्लस, इधर सॉरी माइनस आएगा, प्लस बड़े माइनस होगा तो माइनस, दो सही एक बटा तीन निकलेगा, इधर माइनस माइनस हो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस बड़े माइनस तो तीन सही एक बटा चार। तो भैया अपन क्या करना है, इधर इसका जी प्लस वाला प्लस प्लस को जोड़ लेंगे, तीन तीन क्या होता है छः, और प्लस पाँच बटे चार, और प्लस के एक बटे चार, माइनस के दो सही एक बटे तीन को भी जैन करता ही लिखा रहा, कैसे जी माइनस का, तो भाई जी भी माइनस का होगा जी भी माइनस का, तो इसमें से माइनस मतलब जी छः में से दो घटाएं कितना बचेगा चार, चार बचेगा पाँच बटे चार आ जाएगा, प्लस के एक बटे चार और माइनस के एक बटे तीन रहेगा, ठीक है हो गया ना। अब भाई सेम तो है ये, क्या दिक्कत है। अब आपको करने का है, अब आप खा देखो इन खा सॉल्व कर लेना, ये अलग अलग है, आप खा देख रहे हो हर समान है, जो भिन्न को हर समान के अंश जोड़ देते हैं, अपन क्या करते हैं जोड़ जोड़ दो, चार चार पांच एक जोड़ेंगे तो छह बटा चार आ जाएगा, कितना आ जाएगा छह बटा चार माइनस के तीन आ जाएगा। अब आपको इसको करते हो चार जो से भिन्न एलसीएम ले लो, जाते रहे गुणा कर दो तेरे गुणे से कर दो, तेरे गुणा करोगे ऐसा छिया अठारह और चार एक चार बटे में चार दिया बारह, ठीक है तो चार प्लस के और अठारह में से चार गया तो कितना, अठारह में से चार गया तो चौदह बटे बारह आ जाएगा। और इसको क्या करोगे चार प्लस का इसमें भाग दे दोगे बारह एक का बारह, एक बार जाएगा एक, एक जब एक बार गए एक फिर सही लगाएंगे बारह एकम बारह, दो से इस पर बचेगा तो ऊपर लिखेंगे बारह का भाग देते बारह एकम बारह चौदह आ जाएगा। अब इसमें चार में एक जोड़ देंगे पांच हो जाएगा, पांच सही के तो हो जाएगा दो बटे बारह हो जाएगा जी आपका आंसर हो जाएगा। चार में एक जोड़ दिया पांच दो सही बटे दो, दो बटे बारह सही खाते ऐसा आएगा, अगर आपको उससे लगाओ के देखो ऐसा ही आता होगा। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम, धन्यवाद।